हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। कैसे सारे आप? करते एकदम बढ़िया हो गए? मैं भी एकदम बढ़िया। तो आज है देवराज का बर्थडे और इसी लाइन में लगे रुके हैं, क्योंकि जाना था बर्थडे में। भाई साहब ने बारबेक्यू नेशन बुलाया है और मतलब क्या 12 से 3 पे भूखे भूखे सिस्टम होगा, आई डोंट नो। वही इसी में बुलाया मैं, वो पहले मेरे कुछ पता नहीं है, वहाँ पहुँचेंगे और फिर आपको बताएंगे तो जो भी सीनारियो रहेगा। और एक और चीज़ अपडेट है जो आपको देनी है, वो अपडेट ये है कि ये देखो यहाँ लगेगा हमारा बेड। गद्दा हमने यहाँ फेंक दिया है क्योंकि हमने करा था नया बेड ऑर्डर और वो नया बेड हमारा आने वाला है। तो आज 2 बिग अपडेट ये है। तो जब मैं वहाँ से वापस आऊँगा तो बेड लग चुका होगा, क्योंकि 12 से 2 का टाइमिंग है उसके डिलीवर होने का। देखते हैं कैसा बेड रहता है, क्या रहता है। फिलहाल तो यार नहाने ना दो के फटाफट रेडी और फिर निकलता हूँ देवराज के पास जाने के लिए, क्योंकि हमेशा लेट कर देता हूँ हमेशा। मम्मी जय माता दी। तो गाइस अभी निकल गए हैं, रेडी वेडी हो गए एकदम। एज यूजल ये लेट कर देती है यार हमेशा, उसके फिर मेरे को बाद में वो चक्कर रहता है क्योंकि ड्राइव तो मेरे को करना है। वीडियो में मेरा नाम ले देना, फिर उसको लगेगा कि मैंने ही लेट किया। अच्छा फिर किसने किया है? कुछ लोग आयो की तरह 1 घंटे में निकला है। ओहो, ये बात तो कोई मान ही नहीं सकता कि मैं 1 घंटे तक ना आऊंगा। फिर मतलब दिनेश भैया से पूछवा दूं? दिनेश भैया खुद मुद्दों के निकल गए थे। तो गाइस फिलहाल कुछ ऐसा ही अपडेट है कि निकल गए हैं घर से और किशनगढ़ की गलियां कम और ऑफ रोडिंग ज्यादा। जिसको ऑफ रोडिंग ट्राई करना हो किशनगढ़ आ सकता है। यहाँ पे होता है रोड और लोगों को फिर लगता है कि अरे रोड तो बना दिया, इसमें तो पाइप डालना हम भूल ही गए। तो फिर वो बने हुए रोड को तोड़ देते हैं और वो फिर टूटा हुआ रह जाता है और फिर वो ऐसे ऐसे गड्ढे बनते हैं, आपको झटकों से पता चल ही रहा होगा। तो फिलहाल पहुँचते देवराज के पास और वी आर इन अ बिट हरी, तो आपसे मिलते वहीं पहुँच के पाए। इतनी कॉम्प्लिकेटेड जगह रखी थी ना ढूंढने में, पसीना पसीना, इतनी गर्मी इतनी आज। ओ भाई भाई, ये देखो मॉल से व्यू सही है यार। गुड़गांव भी अपना बेटर है, लेकिन अपना DLF और वो प्रोमिनेट जिंदाबाद, उससे बेटर मॉल नहीं है। बारबेक्यू नेशन ऑन 3rd फ्लोर, मतलब पूरे मॉल में एक ही हाईलाइट है इनके पास, वो है बारबेक्यू नेशन। इसकी वजह से चल रहा है बस सबसे, वो तो वाला मॉल है जहाँ पे वो अपना ट्रेम्पोलिन पार्क, सिर्फ ट्रेम्पोलिन पार्क वैसे चल रहा है वो। बंदा पहुंचे सेटिंग वेटिंग करता है फिर मिलता है आपसे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं बारबेक्यू नेशन में बैठे हुए हैं और अभी वेट कर रहे हैं रूबी दी और भैया का, जो कि ऑलवेज एज ऑलवेज लेट है। जो 12 से 2 का स्लॉट था उसमें हम नहीं खा पाएंगे, आप 2 से 4 वाले में खाना पड़ेगा। जैसा कि हम कैमरा फ्लिप करेंगे तो हमारे सामने है राधा, बगल में कनिष्ठा। बड़े दिनों बाद देखा आपने शो ब्लॉग में, क्योंकि कॉलेज खत्म हो गए। जाना है क्या कॉलेज फिर से? है मेरे हिस्से का चले जाओ, एक काम करो। ये कॉलेज नहीं जाता पता है ना, बोलते तो जाता क्यों नहीं, कह रहे बड़ा बोरिंग है। मैंने कहा यार हर बार उससे भी बोरिंग है, फालतू झूठ झूठ बोलती रहती थी। मेरे को मज़ा नहीं आता, पता नहीं क्यों। हाँ ठीक है, ओके ओके है। कॉलेज लाइफ इतना कुछ खास नहीं है, बिन मतलब बड़ा चढ़ा रखा बॉलीवुड में कॉलेज लाइफ को। वेट करते हैं, देखते हैं कब आते हैं हम लोग, आपको करते हैं अपडेट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे? होप करता हूँ सब भी, आप भी सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ ऐसे करके। नहीं नहीं नहीं, तो 1.5 नंबर कर जाएंगे यहाँ पे 3 में से। तो गाइस दीवी आ गई है, अच्छी लग रही है दी आज तुम। हाँ भैया भी स्मार्ट लग रहे हो भैया, क्या बात है। ऑलवेज लगते हैं, नोटिस आप आज की हो नहीं लग रहे हैं। दो बहुत बुरे लग रहे हो, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। मोहन भाई लग रहे हो, सलमान भाई। गाइस सब आ गए और हमारा खाना भी चालू हो गया। इस साइड है वेज वाले, इस साइड है नॉन वेज वाले। तो नॉन वेज वाले हो गए खत्म, क्योंकि नॉन वेज वाले 1, 2, 3 और 4, अब वेज वाले सिर्फ 2, ये और ये। भैया बेचारे कौन खाने का मन किया, जली गया एक साइड। दूसरा साइड दिखाना भैया इसका, ये वाला ठीक है, यहाँ से खाएगा। आप खाएंगे भैया? ये देवराज नर्वस होते हुए अभी इसके लिए सब क्लैपिंग करेंगे। इस तरह आ रही है इसके, ये चाट मत लियो, ये चाटने के लिए नहीं है, ठीक है। ये वाला केक दी लेके आई है, अच्छा भैया लेके आए हैं। और ये वाला बारबेक्यू नेशन वालों ने दिया है, सुस्त क्यों हो गया? इसको शर्म आती है इन चीजों में, इसलिए सुस्त हो गया। आइए देवराज के लिए क्लैपिंग होते हुए। अरे बढ़िया लग रहा है भाई, ब
भाई मैं भी हूँ, मैं भी हूँ लाइन में यार। चल तू है ही नहीं अच्छा आदमी। तो गाइस फिलहाल कुछ सीन ऐसा है, अभी हम पार्किंग में जैसे मेरे पीछे देख सकते हो, और पंच वंच कर लिया, बढ़िया था ओवरऑल। मैं तो फर्स्ट टाइम आया था बारबेक्यू नेशन, मैं पहले कभी आया नहीं था, जरूरत ही नहीं पड़ी। अब मन मन करता था तो मैं घर पे मंगा के, और मतलब ठीक था फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, बढ़िया था, किफायती है कुछ हद तक, किफायती है। अभी मेरे को कोई मेरा बेड दे दो और एसी दे दो, सो जाऊंगा, मजा ही आ जाए। तो अभी निकलते हैं बाहर, राधा वगैरह बाहर खड़े हैं पार्किंग में, गाड़ी निकालने आ गए। यही होता है भाई साहब, जब आपको ड्राइविंग आ रही हो ना, ड्राइवर ही ट्रीट करते हैं जब तक काम चलता है। तो आपने कॉलेज टाइम के जो मेरे ब्लॉग्स थे इनके कॉलेज के टाइम के, उन्हीं में इन तीनों को एक साथ देखा होगा। आज बड़े दिनों बाद ये तीनों एक साथ आए हैं, काबू करना मुश्किल था, बट पट्टों और चेनों से बांध के किसी तरह इनको काबू किया गया। देवराज अब जा रहा है, फिर रो रहा है बेचारा। खम्बे क्या खम्बे, खम्बे में लग जाएगा, देख के जाइयो। तो यहाँ से कनिष्का और देवराज विदा लेंगे। देवराज याद है कॉलेज के लास्ट डे भी मैं इसी सीढ़ियों पे छोड़ के गया था। जन्मदिन मुबारक अगेन, हैप्पी बर्थडे। इधर लग जाता है कमजोर दिल का, कच्चे दिल का है। बाय देवराज, अगर तुम्हें दिल की आवाज सुन रहा है तो तू पलटेगा और पलटा। ओ भाई बात खत्म भी नहीं करी मैंने, पलट गया यार। तो गाइस अभी निकलते हैं घर, और आयरनी देखो लास्ट टाइम जब देवराज का कॉलेज खत्म हुआ तो भी मैं उसको सेम छतरपुर मेट्रो है लेकिन तीन सीढ़ियां यहाँ पे, और मैं इसी सीढ़ियों पे छोड़ के गया था। यहाँ से लास्ट टाइम पता नहीं मैं कभी गया था, जब इनके साथ कॉलेज जाया गया था तब तो गाड़ी में चला जाता क्योंकि ये बेटर कन्वीनियंट है। पहले चलो ये था कि राधा भी रहती थी तो इस चक्कर में मेट्रो में चला था, छोड़ा हटा यार, अब गाड़ी में ही हो, कुछ महीने और रह रहे मेरे भी। 6 महीने हैं पूरे, जिसमें तो कोई दुख नहीं है तुझे कॉलेज छोड़ने का। देखो भाई मेरे जितने दोस्त है ना, अब तो कॉलेज फ्रेंड भी है शिवम वगैरह, वो भी मेरे लिए अब घर वाले फ्रेंड हो गए हैं, वो कॉलेज फ्रेंड नहीं है शिवम मेरे लिए, हाँ भाई वो मेरा कॉलेज फ्रेंड है। और भी फ्रेंड्स हैं वो, मतलब भाई मैं सबसे ऐसे भी मिल ही लेता हूँ, प्रशांत हो गया, समीर हो गया, अल्ताफ हो गया, खैर तो घर वाले बंदे थे, घर में स्कूल फ्रेंड्स थे। अब कॉलेज मतलब मेरे लिए कोई कॉलेज या स्कूल फ्रेंड नहीं होता, मेरा फ्रेंड होता ना तो मेरा हाउस फ्रेंड हो जाता भाई, मैं घर पे ही मिलूंगा, मतलब घर पे से भी मिलूंगा, ये नहीं कि कॉलेज जाऊंगा तो ही मिलूंगा, कॉलेज बंद हो खत्म हो गया तो फिर दोस्ती कम हो जाएगी या फिर कम मिलेंगे, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्कूल खत्म, कॉलेज खत्म, कुछ भी खत्म हो, दुनिया खत्म हो जाए, मैं आ जाऊंगा मिलने भाई, रोज मिलने में और कभी कभी मिलने में फर्क। अगर बॉन्ड सेम हो, बात बॉन्ड का फर्क होता है, समीर और मैं कितने कितने दिन तक अब नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। स्कूल डेज थे राहुल, बेंच पे जाना, बैग रखना, एक साथ बैठना, लंच करना, और अभी जो कभी कभी मिलता है, दोनों में डिफरेंस है या नहीं? देख हर चीज का एक अपना गोल्डन पीरियड होता है, अपने मजे होते हैं। स्कूल टाइम में नहीं कह रहा मैं, स्कूल टाइम तो कहता हूँ भाई बेस्ट टाइम होता है, वो तो वापस आ जाए ना जितना उतना बढ़िया है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फ्रेंड्स मैटर करते हैं भाई, अभी भी मैं समीर, अगर मैं 6 महीने बाद ही समीर से मिलूँ ना तो 6 महीने पहले जैसा मिला था ना वैसे ही मिलूंगा, अरे मोटे ऐसे करके, और ना वो सामने से कुछ कम होने वाला है, प्रशांत से मिलूंगा या अल्ताफ से, किसी से भी मिलूंगा मैं। अल्ताफ से तो भाई कितने महीनों बाद हम मिलते थे जब वो वहाँ सोलन में था हॉस्टल में अपने, भाई बॉन्ड का फर्क होता है, तुम बॉन्ड तुमने अगर अच्छा क्रिएट किया हुआ है तो फिर फ्रेंडशिप तो एज इट इज रहनी है भाई। तो इट्स ऑल अबाउट फ्रेंड्स एंड योर बॉन्ड और तुम्हारा रिलेशन कैसा है, बाकी जगह टाइम डजंट मैटर ब्रो। ये देखो जाम, देखो ये जाम कभी दिल्ली है, दिल्ली में हमें मुंबई वाली फीलिंग क्यों दे रहे हैं ये लोग। तो गाइज ऐसा कुछ हमारा रूम चेंज हो गया, यहाँ पे एक टेबल हुआ करता था, उस पर पूजा का सामान रहता था, वो हट गया है, ठीक है। और क्या है, और भी कुछ ऐड, हाँ अरे बताओ यार, अरे ये गद्दा, सॉरी बेड आया है नया, इसके साइज का गद्दा नहीं है, मैंने ये जो बीच में गद्दा आपको थोड़ा सा दिख रहा हो इंप्रेशन सा, ये देखो इतना डिफरेंस आ रहा है इसका, तो इसके साइज का गद्दा मंगाना बाकी है अभी, बाकी बेड लग गया, बेड अच्छा है नो डाउट, राघा वाला बेड हट गया यहाँ से, वाला टेबल यहाँ आ गया है, ये ऐसी पड़ा है, और वो जो मेरा साइड टेबल था उसको थोड़ा राइट लेफ्ट कर दिया हमने, अभी थोड़ा इगड़म तिगड़म सा हो रखा है, मतलब इसको थोड़ा और हम थोड़ा ऐसा समझ लो सही करने की कोशिश करेंगे, एक आध सामान आना बाकी है तो थोड़ा उस हिसाब से घर चेंज जाएगा और बढ़िया लगेगा देखने में, आप भी देख ही रहोगे वो। तो फिलहाल तो हमारा नया बेड ये रहा। तो गाइस आज की वीडियो को करते हैं एंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक लिए टेक केयर, टाटा बाय, लव यू ऑल। और हाँ ब्लॉग अच्छे लगते हैं लाइक कर दिया करो यार प्लीज, अंदर एक लाइक का बटन होगा उसको दबा दो, लाइक कर देना या तो सब्सक्राइब भी कर देना, बाय।